हमारे राज्य में हर 6 घंटे में एक रेप होता है। जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री अपराधियों से गुहार करें कि भी कुछ दिन अपराध मत कीजिए, वहाँ आप क्या व्यवस्था की बात करते हैं? तो शिक्षा में आप सुधार नहीं करके आप डुबोगी बजा रहे। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर प्रतिभा प्रोत्साहन परीक्षा 2019। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जहां सर हैदराबाद में न्याय एक तरह से लोगों का नेचुरल जस्टिस हो गया है, वहीं बिहार की बात करें तो बक्सर, समस्तीपुर, आज खबर आई है कि दरभंगा में भी एक छोटी बच्ची के साथ ऐसी घटना हुई है। और इन पर जब सवाल पूछा जाता है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से तो ही इवेट्स कैमरा, वो भाग जाते हैं उठकर कैमरा के सामने से, आते हैं बयान देने, पर जैसे ही सवाल सुनते हैं तो हमारे राज्य में हर 6 घंटे में एक रेप होता है जी। ये आज की खबर है और उसमें पटना नंबर 1 है जी। तो ये देखना पड़ेगा हमारे प्रशासन को कि इस पे कैसे रोकना है। क्या इतने लोगों को आप खड़ा करके गोली मारेंगे? एक जी। आप पहले पकड़ तो पा ही नहीं रहे उनको, दूसरी बात। और सबसे बड़ी बात है, जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं, जिस राज्य में अपराध का खुला तांडव हो जी। जिस राज्य के उप मुख्यमंत्री अपराधियों से गुहार करें कि अभी कुछ दिन अपराध मत कीजिए, वहाँ आप क्या व्यवस्था की बात करते हैं? वहाँ क्या ये इस बात इसको कहते हैं कि अपराध यहाँ रोक? एक तरफ सर जैसे भाजपा इस पब्लिक सेंटीमेंट को कहीं ना कहीं अपने लिए भुनाना चाहती है, साफ दिख रहा है भाजपा के नेताओं के बयानों से भी ये बातें सामने आ रही हैं। जिनके पास बेरोजगारी, जिनके पास मुद्दे नहीं हैं वो इसी तरह की बातें करेंगे। कल मुख्यमंत्री हमारे बिहार के वो भाषण दे रहे थे, उन्होंने प्रजनन दर की बात की, उन्होंने प्रजनन दर की बात की और उन्होंने खुद ही उन्होंने ये इस बात को स्वीकार किया कि जहाँ जहाँ महिलाएँ मैट्रिक पास हैं वहाँ वहाँ प्रजनन दर कम है। तो ये तो सबसे पहला लाइन है जिसको समझ में आना चाहिए कि भैया शिक्षा में सुधार करने की आवश्यकता है। तो शिक्षा में आप सुधार नहीं करके आप डुगडुगी बजा रहे हैं। शिक्षा में सुधार नहीं करके हर कुछ समय के बाद एक नया गोल पोस्ट तैयार कर रहे हैं और एक नया जनता को लोक लुभावन भावना ये नारा दे रहे हैं जिसके पीछे वो जनता भागे। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो मूलभूत समस्या है उस ओर ध्यान देना चाहिए और उसमें कैसे सुधार हो उसकी बात करनी चाहिए, तभी हम आमूलचूल व्यवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं, अन्यथा हम नहीं ला सकते। सर DGP जी का भी एक वीडियो वायरल हो रहा है लगातार ट्विटर पर, जिसमें वो एक मीडिया कर्मी को ये कह रहे हैं कि अपराध होते हैं, अपराध होते रहेंगे, पुलिस इसे रोक नहीं सकती है, हम इन्वेस्टिगेशन ही कर सकते हैं। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं सर? अब इसका क्या कहा जाए? जिनको अपराध रोकने के लिए जो व्यवस्था बनी हुई है हमारे यहाँ, पुलिस की व्यवस्था क्यों है? पुलिस की व्यवस्था अपराध होने के बाद सिर्फ वो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें अगर कहते हैं तो ये तो माखोल उड़ाना है ना, ये तो पूरी व्यवस्था का माखोल उड़ाना है। और इस पर तो संज्ञान लेना ही चाहिए कि इस तरह की बातें करके आप क्या जनता में किस तरह की बात फैलाना चाहते हैं, जनता में किस तरह का अविश्वास पैदा करना चाहते हैं, जनता में किस तरह का भय आप पैदा करना चाहते हैं, ये समझना चाहिए। हम लोग पुलिस के भरोसे हैं, अगर उस पर विश्वास उठ जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। एक तरफ सर ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, हालांकि बिहार में आपने बिल्कुल सही कहा कि हर 6 घंटे पर एक बलात्कार होता आ रहा है, ये कोई नए आंकड़े नहीं है, मगर अब मीडिया की सुर्खियों में हैदराबाद की बात से ये घटनाएं सामने आने लगी हैं। तो बक्सर हो, समस्तीपुर हो या दरभंगा हो, ये खबरें अब जब मीडिया की प्राथमिकता से दिखाने लगी है मीडिया, तो मुख्यमंत्री जी का कुछ बयान आता है कि पोर्न बैन कर देना चाहिए, जबकि 2018 में ही केंद्र सरकार ने पोर्न बैन कर दिया है, वो लागू नहीं हो पाया, वो इनके शराबबंदी की तरह ही कहीं ना कहीं हो गया। बिल्कुल सही। तो इनके बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? और एक और सवाल साथ में ही है कि एक तरफ रोम जल रहा है और नीतीश जी घूम रहे हैं, हरियाली और रास्ता देख रहे हैं प्रदूषण को रोकने के लिए। बिल्कुल कही, हमने कहा ना कि ये पूरी की पूरी सरकार जो है इवेंट मैनेजमेंट सरकार है, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें या राज्य सरकार की बात करें, ये सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट की बात कर रहा है। कहीं कोई जो हमारी जो आधारभूत समस्याएं हैं, कहीं जो जमीन की बात है, न किसान की बात कर रहे हैं, न ये छात्रों की बात कर रहे हैं, न ये शिक्षा की बात कर रहे हैं, जहाँ की हम अगर उसको देखेंगे तो पूरी चीज़ों में, पूरी व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। अभी क्या किया है इन लोगों ने कि जो स्कूल हैं, जो प्राथमिक स्कूल है उसको अपग्रेड करके सेकेंडरी स्कूल कर दिया है, ना वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उस ढंग का है, ना वहाँ शिक्षक हैं, प्रभारी प्राचार्य कई जगह हैं, तो ऐसे में कैसे काम चलेगा? आपको पूरी व्यवस्था में चेंज अप लाना है, उस ढंग से लाना पड़ेगा ना। तो दिखावे के लिए आप सब काम कर रहे हैं, चूँकि आप कर कुछ नहीं पा रहे हैं, आप लाचार हैं,
आप डिपेंडेंट हैं जी। तो इसीलिए आप जो है इस तरह की बातें हमेशा करते चले आ रहे हैं कि अभी सब जगह इसकी बात, बक्सर तो की वहाँ पे तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए थी, दरभंगा की बात अभी आपने की वहाँ होनी चाहिए, इस तरह से रोज घटनाएं घट रही हैं, उसको देखें, पश्चिमी चंपारण की घटना देखिए। तो ऐसे में हमको वहाँ पे कड़ाई ना करके, उसको ध्यान में ना दे के, हम जो है लोगों को बता रहे हैं कि हरियाली और रास्ता, जल जीवन हरियाली की बात कर रहे हैं भैया। ये तो आपको आज ध्यान आया 15 साल के बाद, 15 साल आप सोए हुए थे जब प्रदूषण में आ गया कि पटना नंबर वन है, तब आपको ये ध्यान में आया। इसके पहले आप कहाँ सोए हुए थे? पूरे जो व्यवस्था है, पूरा पटना जो है राजधानी होके पूरा डूब गया और तब आपको हरियाली रास्ता याद। 15 साल आप शासन में है ना, तो कहाँ सोए हुए थे? अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।